माई नेम इज़ लीना अग्रवाल। मैं रोटरी क्लब ऑफ इंदाप्रीत दियार की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। 2005 से लेके 2014 तक दिल्ली स्टेट से सचिव रह चुकी हूँ दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की। कहते हैं ना किसी लक्ष्य को साधना हो तो उसके लिए लगन होनी चाहिए, बिना लगन के बंदा कुछ नहीं हासिल कर सकता। मेरी माता रानी पे बहुत ज़्यादा विश्वास है क्योंकि इन्होंने रुके हुए मेरे सारे काम पूरे किए हैं और जो मैं चाहती हूँ वो होता है। मेरी लाइफ मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है, देखा जाए तो शुरू से आखिर तक उन्हीं का सपोर्ट है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। मेरा जन्म स्थान पुरानी दिल्ली है, ओल्ड दिल्ली, सीर गलियारा समाज बाजार सीताराम। मेरे फादर मदर का नाम है भगवान प्रसाद गुप्ता एंड माता का नाम है शीला रानी गुप्ता। और मेरे ब्रदरों का नाम है, दोनों का ब्रदर्स का नाम है, फर्स्ट राजीव गुप्ता, सेकंड संजीव गुप्ता। मेरे फादर स्टार्टिंग में स्टेट बैंक में मैनेजर थे और उसके बाद धीरे धीरे उनका अपना एक बिजनेस प्लान किया। अजमेरी गेट पे उन्होंने एक शॉप ली एंड अजमेरी गेट पे आरएस ट्रेडर्स नाम के नाम से फरामन की। और अभी फ़िलहाल मेन रोड पर उनकी एक इलेक्ट्रिशियंस की शॉप है और इस तरह दो तीन फर्म्स हैं उनकी। माई मदर इज ओनली हाउसवाइफ, बड़ी सपोर्टिंग लेडी थी वो। हमारी रिश्तेदारी में मामाज वगैरह के कजन्स वगैरह को उन्होंने हेल्प की, सबकी हेल्प बहुत करती थी, हेल्पफुल लेडी थी बस। बचपन अच्छा भी था मेरा, मेरे को घर में सभी बहुत प्यार करते थे। मैं अपने घर में एक लड़के की तरफ पली हूँ। यदि मेरी मम्मी के दो बेटे थे तो मैं अभी तीसरा भी बेटा ही थी उनकी बेटी होते हुए, क्योंकि उन्होंने बचपन से मुझे लड़कों के कपड़े पहनाना और करना, मतलब जो मैं चाहती थी मुझे सब चीज़ मिलती थी। और मतलब पापा को बहुत शौक था कि मेरी बेटी को जो चाहिए वो मिल जाए उसे। भाई को भी जो मुझे पलंग चाहिए तो पलंग पे भी वही सोना है, तो भाई पलंग छोड़ के दूसरे पलंग में जाके सोता था। तो हर चीज़ में मुझे यहाँ सोना है, मुझे वहाँ सोना, जो करना है, मतलब मैं फुल फ्रीडम से रहती थी। मेरे ब्रदर जो बड़े बिग ब्रदर हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे कहना चाहिए ना, वो गाना कौन सा है ना, फूलों का तारों का सबका कहना है, ऐसे मेरे ब्रदर ने मेरे को पाला है, मतलब बहुत प्यार किया है। मतलब मैं जैसे जैसे बड़ी होती थी इतने, मतलब मेरी कटिंग करानी है बालों की, हेयर की, तो अपने हिसाब से करा के लाते थे। डांट मैंने तो नहीं खाई, मेरे ब्रदर ने खाई थी मेरी वजह से। एक्चुअल में मेरे मदर फादर किसी तीर्थ पे गए हुए थे, जयपुर साइड गए थे, कोई तीर्थ था, तो मतलब मुझे छोड़ के गए थे उनके पास 4-5 दिन के लिए। तो बस मेरा भाई थोड़ा सा प्यार करता था तो थोड़ा सा गुस्सैल भी था हल्का सा, कि उसको पतंग का बहुत शौक था, अब पतंग उड़ाने जा रहे हैं छत पे और ये कर वो कर तोड़ के ला। पति किसी बात पे उसने मेरे को एक हल्का सा थप्पड़ मार दिया, मैं लाडली थी घर की, तो मैंने आके फैल मचा के मम्मी को रो के थोड़ा सा और अच्छे से बता दिया कि भाई ने ऐसा तंग किया मुझे। आ रहा उसको खूब डांट पड़ी फिर उसके बाद मतलब उसको मतलब इतना कहा कि तेरे को पता है तुझे तेरे को इतने प्यार से रखते हम बहन को, मतलब तेरी हमारी लाडली है, तूने ऐसा क्या क्यों किया, तुमने हट मतलब क्यों उठाया। तो बस वो मैंने उसकी पिटाई करवा दी स्टार्टिंग में आ रहा समाज स्कूल में थी मैं, चावड़ी बाजार, जो गर्ल्स का फेमस स्कूल है। उसके बाद प्रभा विद्या मंदिर स्कूल पुरानी दिल्ली में गली लीला वाली, सेकंड टू फिफ्थ वहाँ से पढ़ी हूँ मैं। उसके बाद मैंने स्कूलिंग करी है 6th to 12th BDRS सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएशन वहाँ पर माता सुंदरी कॉलेज में। सारा तकरीबन मेरा पंजाबी सर्कल ज़्यादा था और अब यकीन नहीं करोगे उस कॉलेज पीरियड में मतलब मेरे को बहुत इन्जॉय मतलब होता ही है, फ्रेंड्स के साथ अच्छा लगता है काफ़ी। फ्रेंड्स जो होती थी ना मेरी ड्रेसेस को बहुत पसंद करती थी, तो कहती हैं यार जब तुम जाएगी अपनी ड्रेस सारी मुझे हमें दे दी हो, अच्छा ठीक है। तो मतलब एक बात बता रही हूँ, इतने शौक थे, मरते थे कभी कॉलेज, हाँ इतने सूफी जरूर थी मैं कि
क्योंकि मैंने कभी कॉलेज बंक नहीं किया। मेरी मैरिज हुई थी 88 में हुई थी, हस्बैंड का नाम सुशील अग्रवाल। हमारा भी हार्डवेयर का बिजनेस है, जो हमारी जो फर्म है वो अजमेरी गेट एंड चावड़ी बाज़ार में है। तीन बच्चे हैं, पहली बेटी है, दो बेटे हैं। पहली बेटिया का नाम आकांक्षा अग्रवाल, बेटिया की शादी हो गई है, उसकी शादी हुए 4 ईयर हो चुके हैं। हमारे दामाद का नाम विनायक बंसल है, उनका भी हार्डवेयर का बिजनेस है, हार्डवेयर में एक बिजनेस और है उनका इलास्टिक का, जिसमें उनके इलास्टिक के कंटेनर आते हैं चाइना से। बेटी की बिटिया का नाम है शनाया बंसल, और बड़े बेटे का नाम अक्षय अग्रवाल, छोटे का नाम श्रेय अग्रवाल। और अभी हम हाल फिलहाल हमने ग्रेटर नोएडा में हमने फैक्ट्री बनाई है, तो वो फैक्ट्री का हस्बैंड ओपन करवाएंगे, तो वहाँ छोटा वाला बेटा बैठेगा। हमारा बिजनेस है आयरन स्क्रू का, SB हमारा ब्रांड है। मेरी लाइफ मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कदम उठाना हर बंदा नहीं तैयार होता अपनी वाइफ को उतारने के लिए। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारा शौक है करो। पहले मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट बनी, फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष बनी, उसके बाद दिल्ली स्टेट से सचिव बनी, ये बनी, उसके बाद मैं फाउंडर प्रेसिडेंट बनी रोटरी क्लब की। बाकी स्ट्रगल तो हमने इस तरह किया कि स्टार्टिंग में एक छोटी शॉप थी हमारी, और कहाँ हस्बैंड ने पूरा बिजनेस अपना बनाया फैलाया, वो हम दोनों के स्ट्रगल से ही है, हस्बैंड वाइफ के। बस यही था कि भाई हम आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी हमारी शुरू से, जो मिल जाना उसको जोड़ जोड़ के रखना, अपना जोड़ के हिसाब किताब अपना पूरा रखना। और उसके बाद हमने हस्बैंड ने कहा कि अभी थोड़े दिन बाद हम ये शुरू कर लेते हैं अपना बिजनेस, तो इन्होंने अपना बिजनेस बाहर जाके इधर उधर जाके अपना बिजनेस को बढ़ाया, और ये अपना बिजनेस देखते थे, मैं अपने बच्चों को संभालती थी, फिर उनको पढ़ाया। लेकिन मैं पूरी मॉरली सपोर्ट उन्हें देती थी, मतलब ये कि घर में से टेंशन फ्री रहते थे। तो इनका बिजनेस बढ़ा, हम यहाँ पर आए, इस घर में चेंज किया हमने, उसके बाद हमने अपनी फैक्ट्री लगाई है अभी। तो बस ऐसे बढ़ता चला गया, इंक्रीज़ होता चला गया, और कुछ भगवान देखो, कुछ कर्म, कुछ सब चीज़ प्लस होती हैं, सब बढ़ता चला जाता है। उनसे इंस्पिरेशन हमने अच्छी मिलती है कि जो काम करो अच्छी नीयत से करो तो आप आगे बढ़ सकते हो लाइफ में। मदर से यही था कि बेटा हमेशा ना स्वाभिमानी जीना, वो स्वाभिमान ये था कि तुम्हें कुछ भी करना पड़े अपने दम पे कमाओ। मेरी जो प्रेरणा भी कह रही हूँ मैं, कुछ टाइम से मेरे को ज़्यादा है, 17 साल से मुझे मेरी माता रानी पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि इन्होंने रुके हुए मेरे सारे काम पूरे किए हैं, और जो मैं चाहती हूँ वो होता है। लाइफ की सारी, मैं कह रही हूँ, सारी सफलता का श्रेय मेरे हस्बैंड को मिलता है काफ़ी हद तक, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, लविंग भी हैं, केयरिंग भी है। और देखो जब तक कहते हैं ना घर में किसी का हाथ ना हो कंधे पे, तब तक बंदा वो आगे नहीं बढ़ सकता उस क्षेत्र में, तो मैं तो उन्हीं को मानूंगी अपना सारा श्रेय। एक चीज़ को ध्येय बना के उसको लक्ष्य बना के करना चाहिए, मैं तो मेरे तो हिसाब से ये है, कहते हैं ना कि किसी लक्ष्य को साधना हो तो उसके लिए लगन होनी चाहिए, बिना लगन के बंदा कुछ नहीं हासिल कर सकता, ये मेरा सोचना है, मेरा मानना है। इसी से बंदा सफर तय करके अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। जब मेरे हस्बैंड ने अपना बिजनेस अलग किया था, पार्ट ऑफ ये हम यहाँ पर आए थे, हमने घर चेंज किया है, तो वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बहुत अच्छा है, यहाँ आने के बाद मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तस्वीर नजर न लग जाए, आज की तारीख में इतने संस्कारी बच्चे हैं और ऐसे ही रहे, भगवान करे सब पेरेंट्स को ऐसे बच्चे मिले। डेली मॉर्निंग में 7 बजे 7 o'clock उठती हूँ मैं, और अपने सबके घर के मेंबर्स को उठाना, थोड़ी वॉक वगैरह करना और योगा करना, उसके बाद अपने किचन में घुस के खाना बनाना, और फिर नेचुरली हस्बैंड को दुकान और शॉप भेजना, ये एक्टिविटी मॉर्निंग से मेरी रहती है। उसके बाद मेरी कम से कम 1.5 घंटा पूजा करती हूँ, मेरा डेली का वर्शिप का टाइम है, और इसके बिना मेरा कहते हैं दिन नहीं निकलता, लेकिन मैं अपनी पूजा पाठ के बिना मेरा दिन नहीं शुरू होता, उसके बाद ही मेरे सारे काम होते हैं पूरे। अब जैसे किसी ने मुझे बुलाया हुआ है तो मैं वहीं चली गई, गंदर वेलफेयर सेंटर है, कहीं मुझे किसी ने अभी पीछे इनॉग्रेशन के लिए बुलाया था, कभी कहीं ना कहीं मेरा कोई ना शेड्यूल बिजी रहता है। घर की हाउसवाइफ भी हूँ और बाहर का भी देखती हूँ, दोनों काम हो जाते हैं मेरे। जीवन इंसान को अच्छे ढंग से जीना चाहिए, जीवन की परिभाषा यही है मेरे हिसाब से,
कहते हैं इंसान को मनुष्य जन्म बड़ा मुश्किल से मिलता है, और जब जब उससे वो मुक्त होता है ना, तो उसको चलते हुए कर्म भुगतने पड़ते हैं लास्ट में, नहीं तो अगले जन्म जिसको मिलता है, वरना बंदा 84 लाख योनियां भुगत के आता है। ये मेरा लेटेस्ट सोच बन चुकी है कि इंसान को जो इजीली मिल रहा है ना, उसको आज को जी लो और खुशी से जियो। ये नहीं कि किसी चीज़ के लिए पीछे भाग रहे हो, यदि मिल नहीं रही तो उसके लिए दाएं बाएं भाग रहे हो, वो नहीं, वो कभी नहीं करना चाहिए इंसान को, कभी नहीं मिलता। ये मैंने अजमाया हुआ है, रिपल्शन अट्रैक्शन, मतलब इंसान के पास जितना भागता है किसी चीज़ के पीछे, वो चीज़ उससे उतनी दूर हो जाती है। घूमने फिरने का बहुत शौक है। सबसे ज़्यादा तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही बहुत घूमी हुई हूँ। आई एम वेरी लकी, उन्होंने मुझे बहुत घुमाया है। ऐसे नहीं, शादी से पहले भी फादर को भी बहुत शौक था। जैसे पूरी कंट्री में तो मंसूरी, नैनीताल, पहले तो वहाँ जाते थे, अब जब मैरिज हुई तो उसके बाद हस्बैंड के साथ लोनावाला, कंडाला, महाबलेश्वर, माथेरान, पूरा मुंबई, शनि सिंगनापुर, शिरडी वाले बाबा, एंड 10 ज्योतिर्लिंग, 12 में से 2 रह गए हमारे, एंड द्वारकाधीश जी, जगन्नाथ जी, अमरनाथ जी, और इसके अलावा यूरोप पूरा, हांगकांग, मकाओ, बैंकॉक, चाइना, पताया, मतलब हम वो कोई जगह नहीं छोड़ी, और हर साल कोशिश रहती है कि अब कहीं फिर जाएं। फिल्म्स का भी शौक है मुझे, और गाने का भी, सिंगिंग का भी शौक है, और देखने का भी शौक है बहुत ज़्यादा है। पसंदीदा एक्टर तो मेरा वैसे ज़्यादातर तो शाहरुख खान ही रहा है। एक तो सच्ची सरकार माँ झंडिया वाली, एक तो सच्ची सरकार माँ झंडिया वाली, सच्चा तेरा दरबार हो, सच्चा तेरा दरबार माँ झंडिया वाली, एक तू सच्ची सरकार माँ झंडिया वाली, माँ एक तू सच्ची सरकार माँ झंडिया वाली। झंडे वाली को मानती हूँ मैं, और वैसे माता रानी की तो बहुत हुई, आपको पता है। धर्म उतना बनाना चाहिए कि घर में भी संतुष्टि हो, अच्छा भी रहे और फलीभूत होता रहे। धर्म को अच्छे धर्म की तरह ही अपनाना चाहिए। कई लोग तो 2-2.5 घंटे आले पे बैठे रहते हैं, उनका पूजा करते हैं, ध्यान कहीं और होता है। मैं तो कहती हूँ, मतलब इंसान का चाहे 10 मिनट, आधा घंटा भी बैठे, लेकिन वो भाव से पूजा करे तो उसको भगवान मिल जाते हैं, मतलब भगवान उसके साथ हैं। अब मैं अपना छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि ये मेरी इमेज है या मेरी माँ ने बना रखी है, कि सब ये मानते हैं कि भाई किसी को कुछ हो जाता है, लीना तुम प्रेयर कर लो मंदिर में माता रानी के सामने हमारी, मेरी मम्मी ठीक, मेरी बहू ठीक हो जाएगी, मेरी बेटे के बहू ठीक हो जाएगा, तो एक मानना है ना, वो मुझे लेके मानते हैं। तो ये आस्था है, मैंने ये आस्था अपने उनसे बना रखी है, और जो मेरे मित्र लोग हैं उनकी आस्था मेरे अंदर है। मैं रोटरी क्लब में आज से 5 साल पहले 2016 में इसका फाउंडर प्रेसिडेंट बनी हूँ मैं, और इसकी नींव पड़ी थी डॉक्टर ये सुभाष जैन जी से, उन्होंने हमारा क्लब बनवाया था। ये रोटरी काम करता है, रोटरी इंटरनेशनल क्लब है, वैसे बहुत अच्छी संस्था है, और ये गरीबों की सहायता करता है। ये रोटरी एक गरीबों को साथ देने वाली संस्था है। तो मैंने अभी जो कार्तिक का महीना गया था, उसके अंदर 3 लड़कियों की, हमने पुअर गर्ल थी जिनकी मेयर की बेटी की शादी करी थी हमने, जिसमें उनको कम से कम नहीं तो हर बंदे बच्चे को हमने 50,000 रुपये का सामान दिया था। हाल ही फिलहाल, मतलब मैं कोई 6 महीने पहले मुझे अग्रवाल विकास परिषद समिति का मुझे अध्यक्ष बनाया था, और इससे पहले मुझे महिला प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय सर्ववैश्य एकता महासभा का भी अध्यक्ष बनाया हुआ है ईस्ट दिल्ली से, और मैं उसके अलावा हिंदू मुस्लिम समिति की भी ईस्ट दिल्ली की अध्यक्षी हूँ, और एक शब्दशिला समाचार पत्र है उनकी भी मैं बहुत बड़ी मार्गदर्शक बनी हुई हूँ। वैश्य मित्र सभा में आए दिन मुझे बुला के वो लोग ऑडिटोरियम में सम्मानित करते रहते हैं, वैश्य मित्र सभा वाले। मुझे मोदी जी बहुत पसंद हैं, उनकी विचारधाराएं बहुत अच्छी हैं, कि मतलब वो एक तो सुलझे व्यक्ति हैं, संस्कारी भी हैं, और उन देखा जाए तो उनके साथ वो जो कर रहे हैं देश के लिए, वो उनके तो कुछ काम नहीं आ रहा, वो देश के काम आ रहा है।
क्यों? क्योंकि वो अपना नहीं सोचते, वो देश का सोच रहे हैं। पहला मैंने ऐसा पॉलिटिशियन देखा है जिसने अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं करा, पूरे देश के लिए कुछ करा। तो मैं तो ये चाहूँगी कि हर आने वाला नेता जो है वो ऐसे ही होना चाहिए, जिससे देश का ही सोचे, जिसमें देश के लिए सोच और लगन हो। मेरा तो फिलहाल का एम तो सबसे बड़ा टॉप का स्टम्प था, सही बताऊँ आपको, मेरा पैशन है सिंगिंग। मुझे सिंगिंग में टॉप का मेरा मन था कि मैं अपनी माँ की भजन की सीडी बनाऊँ, माता रानी के नाम की पहली, फिर कवर सॉन्ग, और वही निकालूँ, उसको कहता हूँ आपको मैंने संस्कार चैनल पर चलाऊँ, आज जो साधना चैनल है उस पर चलाऊँ, ये मेरा सपना है। यदि वो पूरा जाता तो ठीक है, वरना दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं, इंसान को हर चीज़ का सक्सेस नहीं होती और कामयाब नहीं होती। कहते हैं कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी जब जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। शादी से पहले फादर का और शादी के बाद पति का। देशी युवा जनरेशन को यही देना चाहूँगी कि भाई अपने आने वाले टाइम को कभी किल ना करो, अच्छे टाइम को अच्छे तरह इस्तेमाल करो, टाइम से उठो, जाओ वर्कआउट करो और अपने माँ बाप की इज्जत जरूर करो। सबसे बड़ा श्रेय वहीं से मिलता है और वो सबसे बड़ा प्रधान है, आशीर्वाद के रूप में प्रधान है वो।